हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बेबी गार्डियन बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कितने फंदे में कैसे ये बना है, कितने सिलाई में बना है, कैसे ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो, अभी तो आप देख लीजिए कैसे बना है। थोड़ा एक ही कलर में बना है, दो कलर मैंने ऐसे ही बॉर्डर पर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो 200 ग्राम ऊन में मैंने ये स्वेटर पूरा तैयार किया है। तो देखिए, थोड़ा सा बॉर्डर पे जो कलर मैंने बनाया है उसका बटन बना दिया है, बटन लगा दिया है, तो और भी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपको आइए हम सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाइए। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने थोड़ा सा बना लिया है। तो मैंने 140 फंदे डाले हैं सिलाई में, 140। तो ये देखिए, ये बॉर्डर जो मैंने बनाया है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो या आप अपने मन से कोई भी बॉर्डर बनाओ। तो ये देखिए, 8 फंदे इस तरफ उल्टा मैंने बनाया है, 8 फंदे इस तरफ मैंने उल्टा बनाया है काज बटन के लिए, ये देखिए। तो ये जो फंदा मैंने इसमें फाना है नीचे, उसको भी हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। इधर मैंने काज बनाया है, तो काज बनाना भी हम आपको बता देंगे। और फ्रेंड्स, जो इसमें मैंने डिज़ाइन डाला है इस गार्डियन में, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ये देखिए, इस वहाँ से आप देख सकते हो। तो 140 फंदे मैंने डाले हैं, 140 फंदे पूरे सिलाई में हैं हमारे, और मैंने पूरा बना लिया है। यहाँ से हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 140 फंदे 140 में 35 तो हम आगे का कर लेंगे, और 70 फंदे हम पीछे के वाले में कर लेंगे। तो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग। तो ये देखिए, डिज़ाइन तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देती हूँ कि कैसे ये बना है। 3 फंदे तो 3 सिलाई तो ऐसे बने हैं, एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, उल्टे की तरफ से हम डिज़ाइन डालेंगे। तो 8 फंदा हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे, कास के तरफ, काज बटन दोनों तरफ ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, 8 फंदे हमारे हो गए। फिर धागे को पीछे करके एक सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करके एक उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए, फंदे के नीचे से हमको बुनना है, फिर आगे फंदा करेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और फंदे के नीचे से हमको बुनना है। तो इस प्रकार से हमारी ये डिज़ाइन बनी है, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। तो 35 फंदे हम बुन लिए गार्डियन का 1 पार्ट आगे वाला, और आधा इधर, 35 फंदे इधर और 30 बीच का जो होगा हमारा वो पीछे का। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, ये तीनों पल्ला हम एक ही साथ बुन रहे हैं। अब यहाँ से जहाँ से हम बाजू को घटाते हैं आर्म को, तो वहाँ से हम आपको डिवाइड करना बता रहे हैं। तो देखिए, अभी हम आपको एक वो काज बनाना भी बताते हैं। इस सिलाई को हम ऐसे ही बना लेंगे, ये देखिए, आर्म को घटाते हैं हम। पहले 2 फंदे को एक साथ बुने, फिर फंदे को इसमें लिए, फिर दोनों को एक साथ बुने। तो यहाँ पे हमारा 2 फंदा घटा, पहले हम 2 को एक साथ बुने, फिर से हम 2 को एक साथ बुने। तो 2 फंदा, 4 फंदों में हमारा 2 फंदा तैयार, मतलब कि हमारा 2 फंदा यहाँ से घट गया। ये बाजू के लिए, आर्म के लिए है ये। और इसके बाद हम अपने काउंट करेंगे, जैसे भी होगा जो भी डिज़ाइन हम डाले रहेंगे उसी प्रकार से अपनी सारी सिलाई तैयार करेंगे। तो ये देखिए हो गई। दो सिलाई हमने बुन लिया, फिर एक उल्टा भी बना लिया, फिर सीधे की तरफ देखिए, 1 फंदे हम और घटाएंगे, फिर सारी सिलाई को हम सीधा या जो भी डिज़ाइन हो आप उसी प्रकार से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। तो ये देखिए हो गया। और ये देखिए, हमारा पहले 2 फंदा घटा, फिर 1 फंदा, तो हम घटा ली, अब इतना सारा बिनेंगे। यहाँ से कम 50 सिलाई बिनेंगे, 80 सिलाई के बाद हमने घटाना शुरू। यहाँ तक तो मैंने 80 सिलाई, 80 सिलाई बनाए हैं, इसके बाद हम
50 सिलाई 50 सिलाई बनाएंगे। अभी देखिए आपको काज बनाना भी बता देते हैं। चार फंदा हम बुन लिए, ये देखिए अब दो फंदे को हम घटा देंगे, एक दो, फिर हम अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जैसे ही बना रहे हैं वैसे ही सारी सिलाई बना लेंगे। तो ये देखिए उस सिलाई को हम पूरा बनाए, इसके बाद फिर वहाँ आ गए जहाँ हम फंदे को घटाए हैं। तो ये देखिए हमारे आठ थे तो अभी छः ही हैं। तो ये देखिए पहले दो बुनेंगे, एक दो, ये देखिए हमारे यहाँ फंदा घटा हुआ था तो यहाँ हम दो फंदा जोड़ लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ये देखिए एक दो, काज के हमारे आठ फंदे थे एक, तो अभी एक कम, ये देखिए दो तीन चार, इधर भी चार, तो ये आठ हमारा फिर से कंप्लीट हो गया। और ये काज भी बन गया, आप देख सकते हो, ये देखिए कितनी सरल तरीके से भी बनती है और बहुत अच्छे से बनती है। आप इतने थोड़ा सा बड़ा बटन डालोगे तो आराम से जाएगी, ये देखिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 50 सिलाई 50 सिलाई 50 जो बिनेंगे। तो ये देखिए हमारी 50 रोज हो गई, जहाँ से हम घटाएं वहाँ से हम 50 सिलाई पूरे बना लिए। ये देखिए अभी एक काज हमको और बनाने हैं। इसके बाद हम आपको गला घटाना बताएंगे। यहाँ से पहले तो ऐसे ही बुन लेंगे हम, ये देखिए दो सिलाई बुने हम, हमको यहाँ काज बनाना था तो बना लिए। अब हम आपको घटाना बताते हैं। पहले तो हम इस आठ फंदे को घटा लेंगे, जो हमारे काज के आठ फंदे हैं जो मैंने ऐसे उल्टा उल्टा बुना है उसको पहले हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए दो को एक साथ, फिर दो को एक साथ, इसी प्रकार से हम देखिए आठ फंदे उतार लिए। अब इसके बाद हम अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जैसे बनाए हैं उसे पारी पूरी सिलाई पूरी रो ऐसे ही बुना लेंगे। बन गई हमारी, ये देखिए। और सीधे तरफ देख लीजिए, हमको कुछ भी करना नहीं है, इधर ऐसे ही जैसे ही है हमारे फंदे ऐसे ही बुन लेने हैं पूरी सिलाई। अब ये देखिए हमारी पूरी सिलाई हो गई। अब देखिए जहाँ आठ फंदे बुने थे अब हमको यहाँ चार फंदे फिर से घटाने हैं। चार चार फंदे घट गए, फिर से हम अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए सीधे की तरफ तो हम ऐसे ही बुन लेंगे, हो गई। अब ये देखिए पहले हम आठ घटाए थे, इसके बाद चार घटाए थे, अब फिर से देख लीजिए, ये देखिए एक दो, दो फंदे हम फिर से घटा लिए, मतलब पहले आठ फिर चार फिर दो, इसके बाद फिर से हम अपनी सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए हो गई। इस बार हम एक फंदा और घटाएंगे, चार दो एक, आठ फंदे को हम पहले ही घटाए थे, ये देखिए हो गई। पहले हम चार घटाए, ये देखिए फिर दो घटाए, फिर एक घटाए। अब हम अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए एक सिलाई आठ सिलाई और बिनेंगे। ये देखिए इस प्रकार से राउंड गला भी हो गया हमारा। अभी हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए बन गई आठ सिलाई हमार और बन गई। अब देखिए अब कितना सुंदर गला बन गया है। तो
तो जितना अच्छा हम इसको घटाएंगे उतना ही अच्छा हमारा राउंड बनेगा और उतने ही अच्छी गले हमारे तैयार होंगे बनके। तो ये आप देख लीजिए, जैसे ये पार्ट हमने बना लिया, अब सेम टू सेम इसमें भी हम किनारे भी वैसे ही पार्ट बना लेंगे। इधर से 35 फंदे 35, ये देखिए, और पीछे पीछे हमारा 70 फंदा, 70 फंदे बचेंगे, तो पीछे का पार्ट हम 70 फंदे में बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, 35 फंदा छोड़ देंगे, 35 छोड़ के फिर हम 70 फंदे को ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हम डिज़ाइन डालते हैं। अब देखिए हमको वैसे ही घटाना है जैसे हम आपको बताए थे। पहले इधर से 2 फंदे घटाएंगे, ये देखिए पहला फंदा घटा, अब ये दूसरा फंदा हो गई। अपनी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे, 35 फंदे छोड़ के यहाँ तक के ऐसे ही बुन लेंगे अपनी डिज़ाइन को डालते हुए। ये देखिए बना लिए, ये हमारा 35 फंदा है। ये जैसे हम ये वाला बनाए हैं, ये वाला सेम वैसे उसको भी बनाएंगे, ये देखिए। तो फिर से इधर ये वैसे ही बना लेंगे, इसको फिर से देखिए। अब इधर से भी हमको 2 फंदे इधर से घटा लिए, अब देखिए 2 फंदे हम इधर से घटाएंगे, ये देखिए 1 2 फंदे हम इधर से भी घटा लिए। अब पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हमारी डिज़ाइन बनी है। जब ये होगा सीधा डिज़ाइन उल्टा, जो भी सिलाई में हमारा पड़ेगा अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम पूरी स्टिच ऐसे ही पूरे रो बुन लेंगे। हो गई, तो देख लीजिए फिर से हम आगे 2 इधर से घट गया, 2 इधर से, तो फिर से हम 1 फंदे घटाएंगे इधर। हो गई, 1 इधर घट गई। अब पूरी सिलाई ऐसे ही हम बुन लेंगे, हो गई। अब देखिए इधर से भी हम 1 फंदे घटाएंगे, इधर से भी हम 1 फंदे घटा लिए, मतलब पहले 2-2 फंदे घटाए फिर 1-1 फंदे घटाए। अब हमारी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। अब कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, मतलब एक आपका सामने का एक पल्ला हम आपको बना के दिखा दिए पीछे का, अब एक जो बचा हुआ है वैसे भी बन जाएगा। ये देखिए ये भी घट गई, आप देख सकते हो। अब जितनी सिलाई 50 सिलाई 50 सिलाई प्लस 8 मतलब 58 सिलाई हमको ऐसे ही बना लेनी है पीछे वाला, इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। जो घटाना था ये आप देख सकते हो, 2-1 करके मैंने घटा दिया इधर भी और इधर भी, देख लीजिए। अब ये देखिए अब यहाँ तक हमको ऐसे ही बुन लेने से बस अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए पूरी रो बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया जैसे बताए थे आपको, ये देखिए इधर भी कंप्लीट हो गया इधर भी कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत गला उतरा हुआ है। तो जितने राउंड से ये गला हम घटाते हैं उतना ही अच्छा गला हमारा बन के आता है। देखिए अब क्या करेंगे, हम दोनों को कंधा ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों हम ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। हो गई, ये देखिए अब हम गला बनाने के लिए फंदा उठाएंगे इधर से। अब देखिए 30 फंदा हमारा पीछे है, 30 और 20 हम इधर से लेंगे, 20 हम इधर से लेंगे। अभी हम आपको उठा के दिखाते हैं। ये देखिए 1 2, अब इसी प्रकार से हम पूरे फंदे को उठा लेंगे। ये देखिए 20 फंदे हो गए हमारे, 20 फंदे, इसके बाद इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे।
जो हमारा पीछे वाला है। हो गई। अब देखिए 20 तो हम इधर से ले लिए, अब 20 फंदे हम इधर से उठा लेंगे। हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए आपको मतलब 70 फंदे हो गए, 70 फंदे हो गए हमारे। इसको हम 36 रोज बिनेंगे, 36 सिलाई, 36 रोज बिनेंगे। आइए थोड़ा सा बाजू में हम आपको डिज़ाइन बनाना भी दिखा देंगे। ये देखिए 80 फंदे हो गए हमारे बाजू में। पहले हम 50 फंदे डाले थे, इसके बाद 10 फंदे हम यहाँ बढ़ाए हैं, फिर एक एक फंदा करके बढ़ा के हम 80 फंदा करने के बाद पूरा हम 100 रोज बुने हैं। तो ये देखिए हम थोड़ा सा इसमें, इसको तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बना के दिखा देते हैं। तो बाजू आप समझ लीजिए, डिज़ाइन देख भी लीजिए, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। तो बाजू में हमने 50 फंदे लिए, फिर 10 फंदे हम यहाँ बाजू का बॉर्डर ख़त्म होने के बाद में 10 फंदे बढ़ा दिए। इसके बाद 3 3 4 4 5 5 सिलाई पे मैंने एक एक फंदे इधर से, एक फंदे इधर से बढ़ाए हैं, जो हमारा 80 फंदा हो जाएगा, 80 फंदे। तो मैंने ढीला ढीला सारे फंदे को उतार लिया, यानी कि पूरी बाजू हमारी 100 रोज की है। बाजू में मैंने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। 80 होने के बाद पूरा ऐसे ही फंदे उतार लें, फंदे को बस ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा ढीला ही उतारना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा गुड़िया भी जो बनाया है डिज़ाइन के बॉर्डर पे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बना के आपको दिखा दिया है। अब सारे स्वेटर को हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। बाजू भी हो गई, उधर हम कॉलर भी बना रहे हैं जैसे आपको बताए। इसके बाद बाजू को जोड़ के सिलाई करके पूरा कंप्लीट करके बटन लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं ये स्वेटर की कैसे बना है, कैसे लग रहा है। तो ये देखिए स्वेटर बनके रेडी हो गया हमारा। तो देखिए बटन मैंने रेड लगाया है बॉर्डर के हिसाब से, तो हमारा और भी खिल के आ रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है स्वेटर। ये बच्चों का गार्डियन है 1 से 2 ईयर बेबी का, मैंने पहले ही बताया आपको। तो प्लीज़ स्वेटर कैसे लगी, डिज़ाइन कैसे लगी, हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय।